सुनहरी मोतियों वाली चिड़िया। एक जंगल में एक सुनहरी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मीठे गीत गाती तो उसकी चोंच से चमकदार मोती गिरते थे। एक दिन एक भेलिए ने उसे पकड़कर अपने घर ले गया। भेलिए ने उसे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। वह उसे अच्छे से दाना पानी देता, लेकिन वह चिड़िया दुखी रहती, क्योंकि चिड़िया स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी। दुखी होने के कारण वह गीत भी नहीं गाती। समय बीतता गया और एक दिन राजा की पुत्री अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए जा रही थी। उसी दौरान राजा की पुत्री की नज़र एक चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया कोई और चिड़िया नहीं थी, वह वही सुनहरे मोती वाली चिड़िया थी। राजा की पुत्री उस चिड़िया को अपने राज्य में ले गई और उस चिड़िया को स्वतंत्र कर दिया। अब वह चिड़िया राजा की पुत्री के पास रोज़ाना आती और उसे सुंदर गीत सुनाती, और उसकी चोंच से चमकदार मोती निकलते तो उसके कमरे में इकट्ठे हो जाते, और वह चिड़िया अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से रहती और स्वतंत्र जीवन जीती। मित्रों, जीवन में दयालु होना बहुत लाभदायक होता है। राजा की पुत्री की तरह आप भी दयालु हों। मित्रों, इस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें और हमसे जुड़ जाएं नई नई वीडियो देखने। पुराने समय की बात है, किसी गांव में एक मुर्गा और उसके साथी रहते थे। वो काफ़ी अच्छे मित्र थे, लेकिन मुर्गे को अपने आप पर घमंड था कि इस गांव में सभी लोग उसके कारण सवेरे जल्दी उठते हैं। उसने सोचा कि मैं एक दिन आवाज़ नहीं लगाऊंगा और सभी लोग लेट उठेंगे। फिर धीरे धीरे दिन ढलने लगा और रात हो गई, और ऐसा ही करते करते धीरे धीरे सवेरे होने लगा। सूर्य अपने प्रकाश बिखेरने लगा, सभी जीव जंतु उठ गए और लोग भी अपने काम पर जाने लगे, और आसमान में पक्षी चहचहाने लगे। जब मुर्गा उठा तो उसने देखा कि आसमान में पक्षी चहचहा रहे हैं और गांव के सभी लोग अपने काम पर जा रहे हैं। और उस मुर्गे को अपने ऊपर जो घमंड था वो टूट गया कि उसके होने न होने से गांव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। मित्रों, प्रकृति हमारे हिसाब से नहीं चलती, बल्कि प्रकृति हमें अपने हिसाब से चलवाती है। बकरी और लोमड़ी। पुराने समय की बात है, एक जंगल था। उसमें सभी जीव जंतु आराम से रहते और खेलते कूदते, लेकिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी थी। एक दिन वह लोमड़ी अपने शिकार का पीछा करते करते एक कुएं के पास पहुंची और कुएं की तरफ जाकर कुएं में देखने लगी, और देखते ही देखते उसका पैर कुएं में फिसल गया। वह लोमड़ी कुएं में गिर पड़ी। वह मदद के लिए चिल्लाने लगी और कुछ समय बाद शांत हो गई। ऐसा करते करते कुछ समय बाद वहाँ से एक बकरी गुजर रही थी। उस बकरी ने देखा कि लोमड़ी कुएं में गिर चुकी है, और वह लोमड़ी के पास गई। लोमड़ी से बोली, बहन तुम कुएं में क्या कर रही हो? चालाक लोमड़ी बोली, जंगल में सूखा पड़ने वाला है, इसलिए मैं कुएं में हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकूँ। इस पर बकरी ने लोमड़ी पर विश्वास करके कुएं में छलांग लगा दी, और लोमड़ी बकरी के ऊपर चढ़ के कुएं से बाहर आ गई और वह वहाँ से चली गई, और बकरी वहाँ मदद के लिए चिल्लाने लगी। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आंख बंद करके विश्वास करता है वह अत्यधिक धोखा खाता है। धन्यवाद।